आप सभी के लिए केक डेकोरेशन में यूज़ होने वाले डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स के चॉकलेट शेड को बनाने का मेथड लेकर के आई हूँ। इन चॉकलेट शेड को बना करके आप अपने केक को डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल से ब्यूटीफुली डेकोरेट कर सकते हैं, चाहे डच केक हो, चॉकलेट केक हो, चॉकलेट ट्रफल केक हो या फिर ब्लैक फॉरेस्ट केक हो। और इनको बनाने के लिए आपको किसी भी तरीके के टूल की या कटर की ज़रूरत नहीं होगी और ना ही किसी तरीके की मेल्टिंग प्रोसेस की, बल्कि घर के सामानों से ही हम ये चॉकलेट शेड बना करके रेडी कर लेंगे। इन्हें आप बना करके स्टोर भी कर सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पर आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगी इन चॉकलेट शेड को कैसे बनाया जाता है और कब बनाया जाता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, चॉकलेट शेड बनाने के लिए मैंने घर के ही ये सामान लिए हैं, जैसे कि सब्जी छीलने वाला पीलर, चाकू, धारीदार चाकू, साथ ही अदरक कसने वाला ये ग्रेटर छोटा वाला, और अगर ये ना हो तो हम सभी के पास ये वाला ग्रेटर तो होता ही है जिससे हम गाजर वगैरह कसते हैं। तो बस आज इन्हीं से हम बनाएंगे आज अपने चॉकलेट शेड। तो फ्रेंड्स, चॉकलेट शेड बनाने के लिए मैंने आज मोल्ड ब्रांड का ये डार्क कंपाउंड लिया है। ये आपको किसी भी बेकरी शॉप पर मिल जाएगा, नहीं तो ये ऑनलाइन भी मिलता है। ये 400 ग्राम का पैकेट आता है, इसकी कॉस्ट 100 रुपीज़ होती है, कहीं कहीं ये 105 का भी मिलता है। फ्रेंड्स, जब भी आपको चॉकलेट शेड बनाने हो, चॉकलेट डेकोरेशन करनी हो, मैं सजेस्ट करूंगी आपको कि आप यही वाली ब्रांड की चॉकलेट लें, ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। तो फ्रेंड्स, उसी पैकेट को खोल करके मैंने उसमें से ये एक स्लैब निकाल लिया है, इस तरीके के चार स्लैब उसमें आते हैं, और मैंने ले लिया है अपने सब्जी छीलने वाला पीलर, और जस्ट हम इसको जैसे हम सब्जी छीलते हैं वैसे ही पील करेंगे। ये देखिए किस तरीके से हमारी चॉकलेट शेड बन रही हैं, चॉकलेट कर्ल्स भी बन रहे हैं इसमें बीच बीच में। फ्रेंड्स, यहाँ पर ज़रूरी बात ध्यान रखने वाली ये है कि आपको चॉकलेट को फ्रिज में नहीं स्टोर करना है। अगर आपने फ्रिज में रखा हुआ है तो आप उसको 3-4 घंटे के लिए बाहर छोड़ दें, जब वो रूम टेम्परेचर पर आ जाए तभी उससे ये चॉकलेट शेड बनाइएगा। तो देखिए कितने प्यारे हमारे ये चॉकलेट शेड बन रहे हैं, बस आपको जैसे सब्जी छीलते हैं वैसे ही चॉकलेट के ऊपर ये पीलर चलाना है, और देखिए कितने प्यारे हमारे चॉकलेट शेड बन गए हैं। तो चलिए इन्हें बाउल में निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसे किसी भी एयरटाइट कंटेनर में रख करके घर में स्टोर भी कर सकते हैं, जब आपको ज़रूरत हो तब आप इन्हें यूज़ ले सकते हैं। तो देखिए कितने प्यारे हमारे चॉकलेट शेड बन गए हैं, वो भी सब्जी काटने वाले पीलर से ही। तो फ्रेंड्स, चलिए आप दूसरे स्टाइल के शेड बनाते हैं। तो दूसरे स्टाइल के शेड को बनाने के लिए फ्रेंड्स मैंने नॉर्मल नाइफ लिया है जिससे हम सब्जी काटते हैं, और इस तरीके से देखिए हम हल्के हल्के हाथों से जैसे सब्जी का छिलका उतारते हैं ना, लौकी और तोरी का, बिल्कुल आपको वैसे ही चाकू चलाना है, और आप देखेंगे आपके कितने प्यारे ये कर्ल्स वाले चॉकलेट शेड बन जाएंगे। आप मोटे निकाल सकते हैं, पतले निकाल सकते हैं, जैसे आपको बनाने हो आप बना सकते हैं। अगर आप पतले निकालेंगे तो वो थोड़े कर्ल होके आएंगे, अगर आप मोटा निकालेंगे तो वो कर्ल नहीं होगा। तो देखिए कितने प्यारे हमारे ये कर्ल्स वाले चॉकलेट शेड रेडी हुए हैं, वो भी सब्जी काटने वाले चाकू से। ये देखिए कितना प्यारा सर्कल है इसका। तो चलिए इसे भी बाउल में निकाल लेते हैं। मैं ऐसे ही अपने चॉकलेट शेड फ्रेंड्स बना करके रख लेती हूँ, और जब मुझे ज़रूरत होती है मैं उन्हें यूज़ में ले लेती हूँ, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बनाते हैं धारीदार यानी कि सेरेटेड चाकू से। तो इस तरीके से आपको पकड़ना है चाकू, और बस जैसे आप सब्जी छीलते हैं बिल्कुल वैसे ही आपको इसे भी छीलना है। इस वाले चाकू से जब आप चॉकलेट शेड बनाएंगे तो आप देखेंगे हल्की हल्की धारी उन पर आएगी, तो वो अलग डिज़ाइन के लगेंगे। इसी तरीके से आप सारे चॉकलेट शेड बना लीजिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स कितने प्यारे हमारे कर्ल हो रहे हैं, ये देखिए ये थोड़े धारीदार हैं, आप देख सकते हैं, मैं आपको हाथ में लेकर के पास से दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स कितनी प्यारी इन पर धारी है, किसी को लगेगा ही नहीं ये सब्जी काटने वाले सेरेटेड चाकू से हमने बनाए हैं। तो इन्हें भी मैं एक बाउल में निकाल लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स हमारे धारीदार चॉकलेट शेड भी रेडी हो गए हैं। चलिए अब दूसरे स्टाइल के बनाते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने वही वाला स्लैब ले लिया है, इसको मैं बीच में से तोड़ लेती हूँ, क्योंकि अब मैं आपको चॉकलेट शेड ग्रेटर से बनाना बताऊंगी। तो इस तरीके से आपको ग्रेटर पकड़ना है, जैसे आप अदरक कसते हैं बिल्कुल वैसे ही आपको कसना है, एक बार प्रेस करके दूसरी साइड ले जाना है, और बस देखिए कितने प्यारे छोटे छोटे हमारे चॉकलेट शेड बन करके रेडी हो गए हैं, आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इन चॉकलेट शेड से आप ब्लैक फॉरेस्ट केक को सजाइए, बहुत ही ब्यूटीफुल केक डेकोरेट होता है। अगर आपके पास डार्क चॉकलेट ना हो, सिंपली डेरी मिल्क वाली चॉकलेट भी हो, उसको भी आप इस तरीके से ग्रेट कर सकते हैं, बस उसको थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर ले आइएगा। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, इन्हें भी मैं बाउल में निकाल लेती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब दूसरे वाले ग्रेटर से भी थोड़े चॉकलेट शेड बना लेते हैं। तो मैंने वो वाला साइड लिया है जहाँ से आप आलू के चिप्स वगैरह बनाते हैं, बस उसी साइड से मैं ये चॉकलेट को ग्रेट कर रही हूँ।
फ्रेंड्स बहुत ध्यान से कीजिएगा, इससे हाथ का कटने का डर रहता है। और बस इसी तरीके से आप ये देखिए लंबे लंबे चॉकलेट शेड बना करके रेडी कर सकते हैं। मैं आपको थोड़े से ज़्यादा निकाल करके दिखाती हूँ ये कैसे रेडी होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने कितने सारे ये चॉकलेट शेड बना लिए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स लंबे लंबे शेड हमारे रेडी हो गए हैं। इसे आप ब्लैक फॉरेस्ट केक के बीच में डालिए, डच केक के बीच में डालिए, बहुत ही केक सुंदर लगता है। इन्हें भी मैं एक बाउल में निकाल करके रख लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स कितने प्यारे हमारे चॉकलेट शेड रेडी हुए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं आपको लास्ट फाइनल स्टाइल के चॉकलेट शेड बनाना दिखाती हूँ, वो भी चाकू की मदद से। आपको इस तरीके से स्लैब को लेना है और जैसे हम प्याज वगैरह चॉप करते हैं बिल्कुल वैसे ही आपको चॉकलेट को चॉप करना है। थोड़ा सा पतला ही आप चॉप कीजिएगा, उससे जो ये शेड बनते हैं वो बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे आप प्याज वगैरह चॉप करते हैं, सब्जियां चॉप करते हैं, बस आपको चॉकलेट को चॉप करना है और आपके इतने प्यारे ये लॉन्ग लॉन्ग स्टाइल वाले चॉकलेट शेड रेडी हो जाएंगे। फ्रेंड्स चॉकलेट शेड बनाना कोई भी मुश्किल काम नहीं है, बस आपको चॉकलेट को राइट टेम्परेचर पर यूज़ करना है। अगर आपने चॉकलेट को फ्रिज में रख करके स्टोर किया हुआ है तब आपको उसे थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ना होगा, 2-3 घंटे के लिए, ताकि वो रूम टेम्परेचर पर आ जाए। और अगर आपने चॉकलेट को बाहर रखा हुआ है और वो जगह थोड़ी सी गर्म है तब आपकी चॉकलेट थोड़ी सी सॉफ्ट होगी, तब आपको उसको थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए फ्रिज में रखना होगा ताकि वो थोड़ी सी टाइट हो जाए। अब आप सोचेंगे फ्रेंड्स हमें कैसे पता लगेगा कि चॉकलेट जो है वो अपने राइट टेम्परेचर पर है या नहीं। तब आपको फ्रेंड्स मैं एक ट्रिक बताती हूँ। आप अपनी चॉकलेट को हाथ में लीजिएगा खोल करके, और अगर वो आपके हाथों में चिपक रही है यानी कि आपके हाथों में चॉकलेट छूट रही है तो आपकी चॉकलेट सॉफ्ट है, आप उसे 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख दीजिएगा। और अगर आपकी चॉकलेट पर आप उंगली से अगर मारें और उसमें से आवाज़ आ रही है यानी कि वो बहुत हार्ड है, तब आप समझ जाइएगा कि आपकी चॉकलेट अभी बहुत टाइट है, ठंडी है, उसको आपको बाहर रखना होगा रूम टेम्परेचर पर। तो फ्रेंड्स जब आप ठीक तरीके से ये जान जाएंगे कि आपकी चॉकलेट जो है वो राइट टेम्परेचर पर है, तब आपके चॉकलेट शेड बहुत ही प्यारे निकलेंगे, ब्यूटीफुल निकलेंगे और आपको उन्हें बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप इन्हें बना करके आराम से लंबे समय तक स्टोर भी कर सकते हैं, जब भी जरूरत हो आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी आपस में चिपकेंगे भी नहीं। तो फ्रेंड्स ये था मेरा वीडियो चॉकलेट शेड से रिलेटेड, उम्मीद है आप सभी के लिए ये हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो फ्रेंड्स इसे जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अगर गाइज आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साइड में दिया गया बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ये टोटली फ्री है। तो फ्रेंड्स फिर मिलूंगी आप सभी के साथ एक और नई रेसिपी या फिर एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।